मानसून से पहले महज 2 घंटे की बारिश के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम के हालात आप साफ तौर से देख सकते हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के हीरा हुंडा चौक पर मौजूद हूँ और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये दिल्ली से जयपुर जाने वाला रास्ता है, जहाँ पे राजीव चौक से और खेड़ की दौरा तक लंबा जाम लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि नरसिंहपुर इलाके में जो जल भराव की स्थिति है, पहले वो जल भराव सर्विस लेन पर होता है, उसके बाद मेन कैरेज वे पर आया हुआ है और इसी भारी जल भराव के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और इसी धीमी रफ्तार के चलते ये जो जाम है नरसिंहपुर इलाके से राजीव चौक तक इलाके तक आप साफ तौर से देख सकते हैं। हालांकि समय समय पर नगर निगम के और GMDA के अधिकारी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दावा करते रहते हैं कि मानसून से पहले तमाम चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा। हर मानसून की बारिश से पहले ये दावे किए जाते हैं कि इस मानसूनी बारिश में साइबर सिटी वासियों को या फिर NH-48 से गुजरते इन वाहन चालकों को शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर ये जाम, ये हीरो होंडा चौक का इलाका है, हीरो होंडा चौक का वही फ्लाईओवर है जहाँ पे माह जाम लगा था और आज वैसी ही कमोबेश स्थिति आप साफ तौर से जाम की देख सकते हैं, जो कि नरसिंहपुर से और राजीव चौक तक यानी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा ये जाम देखा जा सकता है और उन तमाम दावों की पोल जरूर खोल रहा है जिसमें ये दावे किए जा रहे थे 2016 के बाद से कि अब साइबर सिटी वासियों को जाम जैसी शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी काफी लंबा जाम आप साफ तौर से देख सकते हैं कि राजीव चौक तक ये वाहनों की कतारें लंबी लगी हुई हैं। जिन्हें दिल्ली से जयपुर जाना है वो जरूर इन रास्तों को अवॉइड करें, वरना आप भी इस शर्मनाक जाम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जाम के झाम से आपको गुजरना पड़ सकता है। हालांकि बीते 3 से 4 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन रहे और हर ग्रीवेंस की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम के अधिकारियों को, GMDA के अधिकारियों को ये चेतावनी जारी की थी कि किसी भी सूरत में NH-48 से लगते इलाकों में जाम जैसी स्थिति का सामना लोगों को न करना पड़े, इसके लिए माकूल इंतजाम किए जाएं। लेकिन आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर जाम की स्थिति है और कितना ये लंबा जाम है जो कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।